दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन जरूर चाहते हम। और नहीं हमारा सरपंच नहीं नाथ बनेगा, मनेगा तो नहीं नाथ ही बनेगा। नहीं हम किसी को नहीं चाहते हैं, इंसाफ मिले तो हमारे को नहीं नाथ को मिलना चाहिए। ठीक है, इंसाफ के लिए हम खड़े आज। ठीक है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ललानी जोगी माजरा से तमाम ग्रामीण पहुंचे हैं करनाल में, और करनाल में डीसी जो रेजिडेंस है वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। क्या कुछ पूरा मैटर है, किस लिए आज आप यहां पर पहुंचे हैं, क्या विरोध प्रदर्शन है आपका? ये दोबारा इलेक्शन होने चाहिए बस हमारे। वजह एक बताए जी, ये बता दो। इलेक्शन में हमारे साथ घपला किया हुआ है, स्टार्टिंग से ही घपला करते हुए आ रहे हैं। पहले ये बोला गया हमें, पहले रिश्वत देते हुए ये बोला गया कि आप अपने सरपंच को बैठा दो। किस लिए हमारे साथ इतनी आम जनता आई है, किस लिए आई है? हम आम आदमी है, हम वहाँ खड़े हुए हैं है, और उनके साथ वो हमें घूस दे रहे हैं। और जो सरपंच बनाया हुआ है उस वो तो 10वीं 7वीं फेल है, जिसे सरपंच बनाया हुआ है। और ये हमारे जिन्होंने वोटिंग में हरा दिया है वो 12th पास है। कितने वोटों से हारे हैं आप लोग? हम धोखा हुआ है, हम हारे नहीं हैं। हमारी 400 वोट है, हमारी भी 200 वोट है, ऐसा कैसे है? कितना अंतर रहा है वोटों? 200 वोट से रहा है हमें, हमें कुछ नहीं पता। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए बस। हमें इलेक्शन दोबारा चाहिए, हमारे हमारे 450 आ गए वोट। हमारे यहाँ था मैं भूख हड़ताल कर देंगे, एक करनाल में भूख हड़ताल कर देगा। हमें यहाँ तो इंसाफ मिल जाना चाहिए, नहीं मिला था हम भूख हड़ताल कर देंगे। कहाँ गई है इतनी जनता, इनकी वोटिंग कहाँ गई? हमने हमने जो दिए थे उनकी ढाई है चूड़े कमाई अपना, ये कहाँ जिम्मेदार चूड़े चूड़े मेरा फेरी हुई मारे वोटों में। 20 लाख रुपए दिए इनने, वोट देने वालों को 20 लाख। मशीन वाले खरीद भी बिक गए सारे, पुलिस वाले भी बिक गए उन्हीं के साथ, वो भी कुछ नहीं, कोई जाओ कोई यहाँ पे ले लिया 20 लाख। हमारे सारा जगह बंदे से उन्हें अंदर आ लो रहा है, वो अंदर जाते थे, पुलिस वाला उन्हें तो बढ़ा लेते थे, हमारे वालों को नहीं बढ़ाते थे। सारे चले उनके साथ, हमारे वोट पूरे नहीं पड़े, पूरा कुछ रह गए, हमारे वोट नहीं पड़े, पूरे नहीं पड़े। हमारे बढ़ने ही नहीं देता पुलिस वाला, आप खड़े हुए थे। आपका नाम क्या है? नगीन नाथ सर, नगीन नाथ सलोबर नाथ, नगीन नाथ। अच्छा, कौन से गांव से हैं आप? ललियानी जोगी माजरा से हूँ। ललियानी जोगी माजरा से। क्या कुछ सिनेरियो रहा, कितने वोट किसको पड़े, पोलिंग किसको हुई? सर 710 की टोटल पोलिंग हुई सर, 710 की। हाँ जी जी, उसमें से 337 मेरे को आई सर जी, और 366 दूसरी पार्टी को आई सर जी, और 9 वोट सर बाहर भी गई है ना, मदेशों में भी तो वोट सर एक उसमें 9 वोट है खराब गई, रिजेक्ट हो गई सर। तो उसके बाद भी टोटल चलता रहा सर, 712 बन रहा सर, 710 में टोटल वोट। अगर आपको लगा कि वहाँ पर वोटिंग सही ढंग से नहीं हो रही, तो कल आपने विरोध नहीं किया इस बात का? सर मैंने कई बार विरोध किया, उसके साथ ना बड़ी जनरल जो पार्टी के बंदे ने मार को धमकाया, मार को धमकाया, एक मिनट भैया अरे सुनो, मार को धमकाया गया। जो मेरी बड़ी ताई ने कई बार ऑब्जेक्शन उठाया जी, मैंने भी अंदर उठाया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पोलिंग जो ऑफिसर है सर, वो इशारे से बात कर रहा था सतीश शर्मा पंडित के साथ जी, मैंने इस बात को भी समझाया। 50 वोट हमारी ऐसी गई है जिसपे बटन दबाया जो आवाज नहीं आई सर। मैं ये चाहता हूँ दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, मेरी डीसी साहब से ही अनुरोध है, हाथ जोड़ के मैं गरीब आदमी हूँ सर, दोबारा इलेक्शन होना चाहिए सर। हम यही चाहते हैं, नहीं चाहता। कल विरोध किया था आपने कि आवाज नहीं आ रही, बटन नहीं? हाँ जी किया जी, किया सर, किया। ये मेरी बड़ी ताई को बुलाई जी, कई बार हमने, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं तमाम ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ हुआ था कल? कल सब कुछ हुआ जी, हमने वोट नहीं पाने दिया था, हम भी अंदर जाओ तो हमने धक्के दे के पुलिस वाले भी बाहर काट दे, और आप अंदर बढ़ जा, नकली वोट गिरवा दिए बहुत ज्यादा, हमारे वोट हमारे पूरे वोट भी नहीं गिर दिए, हमारे हमारे तो निकाल दिए, हमें पूरे वोट नहीं पाड़ दिए, और वे सारे विद्या पुलिस वाले दे दे धक्के, हमने बाहर काट दे, हमने वो पुलिस वाला क्यों काट दे, क्यों काट देता? हम चाय लाओ रोटी लाओ हमारी नहीं खाता था, परली तरफ से इनकी चाय, इनका झोले में पैसे आवे, इनका सब चीज मावे, वे इनकी चाय पीते, इनकी रोटी खाते, वे सारे बिक गए जी। 20 लाख रुपए ले लिए उसने, हमने बढ़ने अंदर ही नहीं बढ़ने दिया, हमारे वोट आधे रह गए,
कुछ हुआ था ऐसा है जी, जब सवेरे सवेरे वोट पान गए है ना, वोटा पैंदी रही सही, चार बजे तू जाके जड़िया मशीन बिक चुकिया, स्टाफ ही बिक चुके, जड़िया रोटियां वाले डब्बे आए साडिया रोटियां नहीं फड़िया, उन्होंने रोटियां फड़िया दूसरे दिन, ठीक है, वो सब नाल सी, जो मशीन स्टाफ बिक चुके तो वोट जी सा 400 वोट आ, उन्होंने 300 वोट आ, वह किमें जित गए, असी क्यों नहीं जीते, यही कमी हुई, इंसाफ तो जरूर आना चाहिए इस गल का, नहीं तो वोटा हट के होनी चाहिए, खुद रले, ठीक है, मैं भी जिमीदार मगर मैं जिमीदार नहीं इन्हों बिलकुल जुटी गरीबा हां इन्हों असी इन्हों आप लोग अब क्या चाहते हैं, क्या हमें तो इंसाफ चाहिए, हमारे दिल धोखा हुआ, हमारा को इंसाफ चाहिए, दोबारा से वोटिंग होनी चाहिए, तो आज कोठी के पास पहुंचे डीसी साहब के पास, हाँ डीसी पास के साहब आए जी, हमें इंसाफ चाहिए सरकार से, दोबारा इलेक्शन कराए और हमें इंसाफ दिलाए, हम बहुत गरीब है और हमारे सरपंच भी गरीब है, हम नहीं चाहते कि वो सरपंच बने, उनको घुस खुला, हमें बस इतना करा दो, ये न्यूज वाले हमारी इतनी मदद करा दो जो हमें इंसाफ मिल जाए, कल विरोध किया था आप लोगों ने, कल भी विरोध किया था, वीडियो वालों को कल बोला था हमने, पहले भी साजिश जो सरपंच पिछले बार भी आईफोन करवा उसकी उनको रिश्वत मिल गई, कितनों में रिश्वत दे दे के, इंसाफ चाहिए जी, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे दोबारा से हुआ है, ललित सर यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे, ललानी गांव के लोग हैं, डीसी साहब के आए थे, ये कह रहे हमारा तो धोखाधड़ी हुई हमारे साथ, तो हमारा दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए, रुक जा भाई मेरे, रुक जा भाई, दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए, वो जो कैंडिडेट जितवाया है वो सातवीं फेल है, और ये कहते हैं जी हम तो आठवीं पास का वो था, तो उसकी भी जांच के लिए एप्लीकेशन उन्होंने दे दी डीसी साहब को, हमने दे दी एप्लीकेशन, उसके बाद डीसी साहब जांच करेंगे, जैसा होगा आगे आ जाएगा सामने, शांत करवाया, हाँ शांत है, शांत कराएंगे, हाँ जी, तो आप देख सकते हैं पुलिस भी मौके पर पहुंची है, और तमाम ग्रामीण जो ललियानी गांव के हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि जो सरपंच पद का इलेक्शन है वो दोबारा होना चाहिए, धोखाधड़ी हुई है, हालांकि जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो 29 से 30 वोट का है, ऐसा इनकी तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन तमाम लोगों का यही कहना है जो यहां पर पहुंचे हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, वहां पर जो पोलिंग एजेंट थे और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो पुलिसकर्मी थे, उन पर आरोप लगाया जा रहा है, और इसी के चलते आज करनाल में जो करनाल के उपायुक्त हैं अनीश यादव, उनकी कोठी पर बात रखने के लिए पहुंचे थे, पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है, और इलेक्शन दोबारा करवाने की मांग की जा रही है, इलेक्शन दोबारा होगा या नहीं होगा वो प्रशासन देखेगा, लेकिन तमाम लोग अपनी बात रखने, क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो जो सरपंच मने है वो मेरा सगा मौसा है, अच्छा। मैं गरीब हूँ, वो अमीर है, वो तीन तीन चार चार लाख की जीरी बेचता है, गेहूँ बेचता है, उसके पास कमी नहीं है, भंडारे करता है, शिव जी का भगत है, वो बाबा है, वो गुंडागर्दी करता है, वो और मैं गरीब हूँ, मैं पिछली बार भी खड़ी हुई हूँ, जब भी उन्होंने पोस्टर, जो हमने पोस्टर छपवाए थे पिछली प्लान में, महिला सीट है या पुरुष सीट है, पुरुष है, पिछली बार भी हमने पोस्टर छपवाए, उसका फोटो लगवा लिया हमने पोस्टरों में, उन्होंने 4 बजे रात को बुला के पोस्टरों को धुने में जड़ाए, आग लगा दी, आग लगाई उन्हें, और इब के वो खुद पोस्टर छाप के खुद सरपंचाई लड़ रहे हैं, वो सातवीं क्लास पढ़े हुए हैं, हम 12 पढ़े हुए हैं, हम हार गए और उनकी जीत हो रही है, सर उसे सर हमारे साथ घोटाला किया है उन्होंने, शिव जी का भगत होना तो गलत बात नहीं है ना, शिव जी का भगत होकर बेईमान ना कर रहा है, ये गलत है ना, ये गलत है, जब उन्होंने पोस्टर हमारे जलाए, पिछली बार हमारे पोस्टर उन्होंने जलाए, आप कहो पोस्टर छाप के, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना, भगत है, भगत ऐसा काम करता है, उसकी गाड़ियों में जाती है, दारू बांटता है, वो भगत है, वो किस चीज का भगत है सर, हमें इलेक्शन दोबारा चाहिए सर, हम डीसी साहब के पास आए हैं, अगर हमारी नहीं सुनवाई होगी तो हम चंडीगढ़ तक भी जाएंगे सर, हमने एप्लीकेशन दे दी है, आज सर हमने एप्लीकेशन सर बोल रहे लिख के दिए, डीसी साहब के पास आए थे, हमें अभी मिले नहीं है जी, सर ने हमें वो दिया जी लिख के, हमने एप्लीकेशन लगाई है, देखो क्या हमारा समाधान होगा, अंतर कितने वोटों का रहा है, अंतर सर हमारी तो 500 वोट थी और 400 तो सर हम वोट हमारी डली है, नतीजा आया है उसमें कितने वोटों, 15 वोट की जी, 15 वोट की,
15 वोट से रह चुके हम। 20 लाख रुपए में हमने पोलिंग बूथ खरीद लिया। उन बंदों ने बोला हम वोटिंग भी नहीं करेंगे जब भी हम जीते हुए हैं। हम जीत गए हैं। तुम गरीब जनरल के आदमी उसके साथ लगे हुए हैं। ढोल कैसे बज सकते हैं जब 7 बजे पता लगेगा, सर बचाएगा 7 बजे पता लगता। उन्होंने दिन से पहले 5 बजे ढोल बज गए, उनके ढोल बज गए, हलवाई भट्टी चल गई उनके घर पे। उन्हें कैसे पता कि हम जीत जाएंगे जब मेरे साथ इतनी जनता है, फिर वो कैसे जीत गए? 700 देश की पोलिंग हुई है, मेरे साथ इतनी जनता है, ये झूठे तो नहीं सर? क्या करो ना जिन जिन ने वोट डाले, 400 वोट भी डाले सर सभी ने वोट दिए। एक बार सभी ने वोट दिए सर मेरे, एक मिनट, सभी ने सर वोट दिए मेरे को, तभी मेरे साथ रखे ना सर। मेरे साथ पब्लिक ज्यादा सी, 700 देश की टोटल पोलिंग हुई सर, तो मेरे को 450 का अंदाजा था सर। तो उनके वोट कैसे आगे सर जाता है ये बताओ? हमारे वोट कहाँ गए जी? हमारे साथ सजा हुई रखे हुए सर, हम चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो सर। अभी डीसी से कोई बात नहीं है, हमारी एप्लीकेशन नहीं है सर। मैं आज जुड़ के कहता हूँ सर, मैं डीसी आपसे ये कहता हूँ मेरी दोबारा इलेक्शन किया जाए सर। गरीबों की सहायता करो, अमीरों की मत करो, गरीबों की सहायता करो। हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया सर, उसे सर हमारे साथ धोखा दिया है। वो लालच भी दिए हमें, 3 लाख रुपए का लालच दे रहे हो। दोबारा से इलेक्शन करवाओ, तुम्हारा बटन भी खोलने देंगे, दोबारा से इलेक्शन करवाओ। जैसे कोई बुजुर्ग माता वोट देने डालने गई है तो उन्होंने वोट दबाया तो मशीन की आवाज नहीं आती थी। उनके दो कैंडिडेट जनरल के अंदर थे, वो इशारा करते थे वोटिंग मशीन डालने वाले को, वो ऐसे इशारा, जो अपना आदमी आया तो ऐसे कर दिया, नहीं आया तो ऐसे कर दिया। आपने लाखों रुपए दिए थे गांव की सुविधा। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ललियाणी गांव के तमाम लोग पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं कि ललियाणी गांव में सरपंच पद का जो इलेक्शन है वो दोबारा होना चाहिए, क्योंकि वहां पर धोखाधड़ी हुई है। वहां पर जो है पुलिस कर्मी जो मौजूद थे, जो प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने दूसरे पार्टी के साथ मिलकर इस पार्टी के साथ धोखाधड़ी की है। कल भी इन्होंने विरोध किया था लेकिन इनकी वहां पर सुनवाई नहीं हुई थी। और आज करनाल के डीसी अनीश यादव की कोठी पर पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए। लिखित में इनसे जो इनकी शिकायत है वो ले ली गई है और इनकी मांग यही है कि चुनाव दोबारा होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में जीत हमारी तय थी, क्योंकि जो संख्या है, जो मतदाता हैं, वो हमारे साथ ज़्यादा थे, लेकिन फिर हमारी हार कैसे हो गई, ऐसा इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।